जी हो छेदा उधर सवालत कीजिए। आप मदनी इनाम नंबर बताइए, ये पूरा मदनी इनाम बता देंगे कौन सा है, या फिर आप अपना मदनी नमाज पढ़ के बताइए, ये बता देंगे कौन सा मदनी इनाम के बारे में बात हो रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदनी इनामत नंबर 15, क्या आज आपने फिक्र मदीना की? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। क्या आज आपने नमाज तहज्जुद इशराक को चार मदनी इनाम नंबर 19, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हाफिज मदनी इनामत बन गए अब तो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआ बापा है बस। क्या आपने इस हफ्ते कम से कम एक बार इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत फरमाई? 50 योमिया जो 50 हैं उसमें से, जज़ाकअल्लाह, आमीन। ये भी जवाब दुरुस्त हुआ ना, बाहर है जी, नहीं ये भी जवाब दुरुस्त हुआ ना इनका जी, माशाल्लाह। कि 50 के बाद वाला जब हमने मदनी इनाम का जिक्र किया तो ये भी समझ गए कि ये 50 के अंदर वाला नहीं है। क्या शान है अब्दुल मुकद्दम की, निगरानी शुरा आप पूछ लीजिए जी, मैं पूछ रहा हूँ, शेर है मदनी इनाम नंबर 7 को पूछना, पूछो आप जी के गुफ्तगु रही है, अभी तबाह तो नहीं के गुफ्तगु तो नहीं फरमाई। मदनी इनाम नंबर 1, अच्छी हर रहे को चाहे कम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें की। मदनी इनाम नंबर 2, 5 नमाजें तबील और के पहले सब में बाद जमात अदा फरमाई। मदनी इनाम नंबर 3, तबीय फातिमा सूरह इखलास आयत कुर्सी और सूरह मुल्क पढ़ी या सुनी सोने से कबल। मदनी इनाम नंबर 4, अजान और इकामत का जवाब दिया। मदनी इनाम नंबर 5, आगे करके पूछिए ना निगरानी शुरा, क्या आज आपने मदरसतुल मदीना बालिगा में पढ़ाया? मदनी इनाम नंबर 13, माशाल्लाह। क्या आज आपने प्लास्टिक की नहीं खजूरी चटाई पर या ना होने की सूरत में जमीन पर? मदनी इनाम नंबर 17, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मदनी इनाम नंबर 22 के दो इंफरादी कोशिश करके मदनी इनाम की तरकीब दिलाई, सुभानअल्लाह। क्या आज आपने मरकजी मजलिस शूरा काबिनात मुशावरत मदनी इनाम नंबर 24, सुभानअल्लाह। मदनी इनाम नंबर 29, फजूल बातों से परहेज किया, फजूल सवाल तो नहीं किए, माशाल्लाह, मदीना मदीना, माशाल्लाह, वाकई मदनी इनाम कंप्यूटर है प्रैक्टिकल, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप ही पूछ रहे हैं। मदनी इनाम नंबर 48, जो मदाए तंदीलदारी केगा लगाने से बच्चे, कहाँ का लगाने से बच्चे, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। क्या आज आप दिन का अक्सर हिस्सा मदनी नाम नंबर 39, आपको भी इजाजत है, आपको भी इजाजत है। अमीन मदनी नाम नंबर 17, चढ़ाई पर सिराने सुनने बहुत रखे किबला रुख सुनने मुताबिक सोए, माशाल्लाह। अब्दुल मुकद्दम अतारी के लिए जो है मदनी बॉक्स 2600 रुपए पेशी है, जज़ाकअल्लाहु खैरन, वैयाकुम, आमीन। मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह तोहफा है, इंशाल्लाह एक इत्र कोशिश मैं भी भिजवाऊंगा तोहफा इंशाल्लाह। अच्छा आप मदनी माहौल में कब से? 9 साल से, माशाल्लाह। और आंखें आपकी कब से गई? आंखें भी तकरीबन 7-8 साल हो गए हुए, 7-8 साल हो गए जी। कैसे चली गई कुछ इसका? मैं मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था तो उस वक्त थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी तो डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा, उसके बाद जो है वक्तन फवक्तन फिर इलाज चलता रहा तो, और वक्तन फवक्तन जो है 4 ऑपरेशन कर दिए डॉक्टर ने ना, 2-1 आँख के 2-1 आँख के, उसके बाद से नज़र जो है चली गई तकरीबन। अल्लाह अल्लाह, अभी इलाज हो सकता है इसका? अभी नहीं, पाकिस्तान में तो इसका इलाज नहीं है, बाकी अमेरिका में सुना कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है जो नाबीना पैदाइशी नाबीना है ना उसकी भी आँख आ जा रही है, इस तरह की तरकीब है अमेरिका में ना, जब पैदाइशी नाबीना की आ जाती है जी, और जो बीच में नजर गई उसकी, उसके अभी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, अल्लाह फिलहाल पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। अच्छा, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक अस्पताल कर दे प्यारे हबीब के सदके में, आमीन। बाबा बस आप करम फरमा दे इंशाल्लाह। नूर मुस्तफा के सदके में आपको नूर नसीब हो जाए, आमीन। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। ये अच्छी एक खबर आई है, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुकद्दम जो भी हमारे इस खसूस इस्लामी भाई थे जो देख नहीं सकते, इनसे अमीर सुन्नत ने जो सवाल जवाब किए
तो मदनी चैनल पर एक डॉक्टर सुन रहे हैं। उन डॉक्टर का मुझे अभी पैगाम आया है कि मैं इंशाल्लाह इनके आँखों के इलाज पर मैं काम करूँगा और इनके इलाज की सूरत भी और अखराजात की सूरत को भी मैं इंशाल्लाह देख लूँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह डॉक्टर साहब के दिल की आंखें खोल दे। माशाल्लाह मजा आ गया। ये माशाल्लाह देखो कितना जहीन नौजवान है, 25 साल बेचारी उम्र है, जिंदगी तारीख हो गई है। तो माँ बाप की भी खुशी की इंतहा नहीं होगी ये सुनकर। अल्लाह करे के नूर मुस्तफ़ा के सदके इनका नूर आ जाए इंशाल्लाह। तो खुश हो गए, कोई मदनी फीस तो दे दो यार, नियत तो कर लो अच्छी अच्छी यार। इंशाल्लाह दर्ज में नियत करता हूँ, इंशाल्लाह हाफिज का कुरान बनूंगा इंशाल्लाह दर्ज, और दर्श नवाई का कोर्स भी नियत करता हूँ इंशाल्लाह दर्ज। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए इतना, मतलब थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए इतना किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला आपको कब्र आखिरत के मामला आसान फरमाए, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और सब आपकी वजह से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज। अब अमीर हसन पापा जानिए आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज सबब बना है मेरे लिए जो ना अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा उसने जाना इंशाल्लाह कि आपकी वजह से मेरा सबब बना है अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज। अल्लाह ताला आपको भी ढेर बरकत अता फरमाए। अगर ये आंखें रोशन हो गई तो ये काम भी बहुत करेगा। आलिम हाफिज बनने की भी नियत की इन्होंने, इतनी प्यारी नियत की, मेरी आंखें रोशन हुई तो मैं हाफिज बनूंगा, मैं आलिम बनूंगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी नियत, दुनिया की नियत नहीं की कि मैं खूब कमाऊंगा, मजा आया। अब्दुल मुकद्दम भाई, अगर आपकी आंखें इंशाल्लाह जलन चाह तो रोशन हो गई तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? मुर्शिद को, अमीर हसन को इंशाल्लाह जलन देखना है तो मदीना देखिए। आप क्या कहते देखेंगे इंशाल्लाह जल? शादी वाला यार ये तो आंख वालों को कुछ सिखा रहा है ये लगता है। अल्लाह आपकी निस्बत सलामत रखे। अब्दुल मुकद्दम भाई के लिए अगर अमेरिका जाना हुआ इलाज के लिए तो इनके आने जाने की टिकट के लिए भी हमें एक इस्लाम भाई ने ऑफर की है। सुभान अल्लाह, कि इनके आने जाने की टिकट मैं दूंगा। निकल पड़ी है इसकी तो दीवाने की, और ये हमें सरदाराबाद से ऐलान आया। माशाल्लाह अल्लाह इनको बरकत दे। आमीन। आइए किसी तरह ये दीवाना बेचारा देखता बन जाए यार, अल्लाह करेगा बहुत काम करेगा ये इंशाल्लाह।